युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि अषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म क्या है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी, इसको हरिशयनी एकादशी भी बोलते हैं। हरिशयनी एकादशी से कार्तिकी एकादशी तक चतुर्मास होता है। इन चतुर्मास की सभी एकादशियां गृहस्थी को उपवास करने योग्य है, बाकी के दिनों में गृहस्थी केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही उपवास करे, कृष्ण पक्ष वाले का न करे तो चल जाएगा परिश्रमी गृहस्थी लोगों के लिए। महीने में दो व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी का, एक शुक्ल पक्ष की। चतुर्मास में दोनों ही व्रत करना चाहिए और शुक्ल पक्ष में महीने में एक व्रत गृहस्थी करें।